नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज भी संत जोयल जी के निवास स्थान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश महासचिव सैयद मुनीर अकबर जी के नेतृत्व में भारत रत्न प्रथम शिक्षा मंत्री स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पुण्यतिथि पर माला अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश महासचिव सैयद मुनीर अकबर ने कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वह कवि, लेखक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। वह आजादी के बाद भारत के उत्तर प्रदेश की रामपुर से 1952 में लोकसभा से सांसद बने। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने से बड़ी कक्षा व उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। बुलंदशहर से इलियास अली की रिपोर्ट। आज भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत रत्न और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मौलाना आजाद वो शख्स थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में अपनी पूर्ण शिक्षा करने के बाद अपनी सी उम्र के लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। उनका मत था कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो। उन्होंने 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा के लिए और बालिकाओं को फ्री शिक्षा देने का उन्होंने काम करा। जो लोग कहते हैं आज कि कांग्रेस ने 7 साल में क्या करा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने IIT, एम्स और न जाने कितनी संस्थाएं, संगीत एकेडमी, साहित्य एकेडमी और बहुत सारी संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने परीक्षण संस्थाएं खोली। उन्होंने लगातार शिक्षा पर 11 साल वो शिक्षा मंत्री रहे। जब तक वो शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने बराबर देश के अंदर नौजवानों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और खासकर उन्होंने उस वक्त बालिकाओं को भी शिक्षित करने का काम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम करा। और लगातार वो देश के अंदर शिक्षा पर जोर देते रहे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो लोग देश के बंटवारे के फेवर में थे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करा, उनके हमेशा विरोध रहे। और वो महात्मा गांधी के हर बात के समर्थन है जो देश हित में था। उन्होंने संप्रदाय के खिलाफ, बहुत से लोगों जो मुस्लिम नेता थे संप्रदाय के खिलाफ थे, उनके खिलाफ भी बहुत उन्होंने डटकर मुकाबला किया। इसी के अलावा अपनी बात करें तो